पूरे इंडिया के नहीं, उधर भी बहुत लोग चाहते हैं कि 267 पे डिस्कशन होना चाहिए। तो इसीलिए मेरी एक ही मांग है, प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, एक स्टेटमेंट करे, चर्चा शुरू हो, हम सब लोग उस समय हिस्सा ले, उसके बाद में रिप्लाई अगर होम मिनिस्टर देते हैं तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट होना चाहिए, यही मेरी कृपा है। इसीलिए मैं आपसे मांग करता हूँ, जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए। प्रधानमंत्री जी के लिए आपका प्रेम भाव बहुत प्रकाष्ठा पर है, पर इस विषय पर मैं मेरा निर्णय दे चुका हूँ। नहीं साहब, और मैंने नीतिगत निर्णय दिया है, विधिवत सम्मत निर्णय दिया है। मैंने झलक विषय जो देश के सामने है उसके ऊपर चर्चा हो, मेरी जबान बंद कर रहे हैं, उनके प्रश्न के जवाब मेरी जबान बंद करने के लिए बार बार मेंबर्स चाहते हैं कि ये बार बार मेंबर्स की इच्छा है ऐसी चीज करते हैं, जो विषय इन्होंने उठाए इसका मंत्री जवाब दे सके, मेंबर्स जो बिल्स पास हुए हैं उसमें डिबेट चाहते हैं, लेकिन इनके बच्चा नहीं है लोग, ये डिबेट करना नहीं चाहते, और सिलेक्टिव तरीका ये देखिए, इनकी इच्छा है तब तो ये उठ के बात बैठ जाते हैं, जब इच्छा नहीं होती है तो खराब कर देते, ऐसे थोड़ी चलेगा, या तो पूरा हाउस चलाए, ठीक से हाउस चलाए, हाउस अच्छी तरीके से चलने दे, लेकिन ये रिसेंटली 5 अगस्त को और एक फाइनेंस हुआ है, ये सदन के सभी मेंबर्स के प्रिविलेज को खत्म करते हैं, इनकी इच्छा ही नहीं है चर्चा की, इनकी इच्छा है कि किसी ना किसी तरीके से मणिपुर की चर्चा से भागे, और हमारे सबके प्रिविलेज का क्या, मैं माफ करता हूँ कि इनके ऊपर प्रिविलेज क्या है, हम सबके प्रिविलेजेस का अपमान कर रहे हैं, संसदीय कार्यवाही का अपमान कर रहे हैं, ये चाहते ही नहीं है डिबेट हो, इन्होंने आपका अपमान किया, आपने मिस किया, उसके बावजूद फादर साहब।
सब पूरा अपोजिशन बोलने की मांग कर रही है। वहाँ पर तो मणिपुर के दो टुकड़े कर दिए, समाज में दो टुकड़े कर दिए, ट्राइबल में दो टुकड़े कर दिए, बार खत्म कर दिए। हम करते हैं, बहस करेंगे, बुलाइए, बहस करेंगे, बुलाइए, बुलाइए, कुछ शिक्षण बुलाइए, प्रधानमंत्री को बुलाइए। करने के लिए